Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो गाइज इस बार मैंने फ्रूट थीम रखी है भाभी के बर्थडे पे, इसलिए मैंने यहाँ पे जितने में हो सकता था मैंने उतने ज़्यादा फ्रूट्स ड्रॉ किए हैं और कुछ मैंने फ्रूट्स प्रिंट आउट भी कराए हैं और उन फ्रूट्स को मैं अभी कलर कर रही हूँ। ये जैसे मैंने कीवी बनाई है और पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, इनमें मैं अच्छे तरीके से अभी कलर कर लूँगी। और मैं यहाँ पे वैक्स कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है इनसे, स्केच पेन से ज़्यादा इजीली इनसे हो जाता है। उसके बाद मैं इनको इनकी शेप में कट कर दूँगी कुछ इस तरीके से, जैसे ये बिल्कुल इंडिविजुअल और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और कहीं पे भी हम इसको स्टिक कर सकते हैं, जैसे ये मैंगो। तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, एक ही दिन था, तो एक ही दिन में बहुत सारी तैयारियाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने में से हो सकती थी मैंने की हैं और ये बास्केट भी बनाई है मैंने, इसमें फ्रूट्स हैं काफ़ी सारे, तो दो तीन मैंने ऐसे बास्केट्स बनाई हैं। तो मैंने सारे फ्रूट्स बना के उनको कलर करके उनकी कटिंग कर ली है और इन फ्रूट्स को हम स्टिक कर लेंगे, वॉल हैंगिंग बना लेंगे। जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैंने बड़े फ्रूट्स पे बनाए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो ये एज ही कहीं भी वॉल हैंगिंग के तरीके से काम आ जाएंगे हमारे। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक और वॉल हैंगिंग। तो मैंने यहाँ पे कलर्ड पेपर को, जो आर्ट क्राफ्ट वाले पेपर आते हैं बहुत ही थिन होते हैं और छोटे साइज़ वाले मैंने पेपर लिए हैं और उनको ट्रायंगुलर शेप में मैंने इनको कट कर लिया है और ये मैं इनके ऊपर थ्रेड चिपका रही हूँ फेविकॉल की हेल्प से। और छः मैंने यहाँ पर ट्रायंगुलर लिए हैं, ये इनको मैंने स्टिक कर लिया है। To you. Happy birthday, dear Bhavi. Happy birthday. भैया happy birthday बोलो दीदी को। बारी बारी बारी। Happy birthday, Bhavi. So Bhavi is ready and trying to take selfies. तो ये मैं ड्रेस लेके आई थी भाभी के लिए न्यू और ये तैयार हो गई है भाभी। अभी हम डेकोरेशन शुरू करते हैं भाभी के बर्थडे के लिए। तो बलून्स फुलाने की कोशिश कर रही है लेकिन बलून फुलाते फुलाते भाभी को जूस याद आ गया। ये सारे बलून मैंने फुलाए, भाभी ने नहीं फुलाए क्योंकि भाभी जूस की फीलिंग दे दी है फिलहाल। आते हैं उनको मैंने बीच से कट कर दिया है, रिबन्स को मैंने डबल करके उनको बीच से कट कर दिया जिससे वो एक से चार बन गए हैं और उनको स्टिक कर दिया है। या तो आप रबर बैंड की हेल्प से स्टिक कर दें छोटे वाला जो रबर आता है, या फिर आप उसको टेप की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। तो डेकोरेशन काफ़ी कम हो पाई थी बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, एक ही दिन में मैं जितनी ज़्यादा डेकोरेशन कर सकती थी उतनी मैंने की है। और ये जो हैप्पी बर्थडे वाला बलून है ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, भाभी के फर्स्ट बर्थडे पे मैंने यही यूज़ किया था लेकिन उस टाइम मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया था और इस टाइम मैंने इनको हैंग किया है। सो गाइस भाभी का बर्थडे गिफ्ट था भाभी की कार।
깜짝인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 내 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 भाभी का जो केक मंगाया था मैंने वो भी अकॉर्डिंग टू थीम था फ्रूट केक ही मैंने मंगाया था भाभी का बिकॉज मैंने थीम भी फ्रूट सोची थी थोड़ा सा टाइम लगा था ये सब डेकोरेशन करने में लेकिन डेकोरेशन करने के बाद जो देखने को मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था सुंदर था एक दिन में इतने ज़्यादा इतनी बढ़िया मैंने डेकोरेशन की तो काफ़ी हैप्पी थी मैं ये सब देख के भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था और साची को भी तो ये दोनों तो फ्रूट्स को खाने के लिए दौड़ रही थी कविश भी काफ़ी परेशान हो रहा था बिकॉज मैंने इसको काफ़ी देर से लिया नहीं था और जस्ट मुझे देखे जा रहा था उसका आने का मन कर रहा था बट मैं उसको ले नहीं पा रही थी तो गाइस कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहा था डेकोरेशन एंड ऑल तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बाय बाय।